हिंदी सिनेमा अपने काम के लिए प्रसिद्ध गीतकार गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य का नाम 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ज्ञानपीठ चयन समिति ने शनिवार को घोषणा की कि इन दो दिग्गजों को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का अहम और सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस अवार्ड की स्थापना 1961 में की गई थी। 1965 में पहली बार मलयालम कवि जी शंकर गुरु को यह पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखित हो।